नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद कनक में। आज मैं खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने वाली हूँ। इस चटनी को लगभग सभी चाट में प्रयोग करते हैं और इसे स्नैक्स पकोड़े के साथ भी खा सकते हैं। पूड़ी या पराठे के साथ भी यह बहुत अच्छा लगता है और इसे रोज़ बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक दिन बनाकर फ्रिज में रख दीजिए और 2 महीने तक ये चटनी खराब नहीं होगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। खजूर इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम खजूर ले लिया है, जिसके बीज निकाल दिए हैं। इमली भी 150 ग्राम लिए हैं, इसके भी बीज निकाल लिए हैं। और गुड़ लिया है, ये भी 150 ग्राम है। तीनों को मैंने यहाँ पे बराबर मात्रा में लिया है। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और उसमें 1/2 टी स्पून घी डालेंगे। घी गर्म हो जाए तो 1 पिंच हींग डाल देंगे और हींग के चटकते ही इसमें 3 ग्लास पानी डालेंगे। पानी मैंने डाल दिया इसमें। अब हम इसमें खजूर, इमली और गुड़ डालेंगे। इसे हमें अच्छे से पकाना है। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून से भी कम, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, काला नमक और जीरा का ये पाउडर है तो इसको भी मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया। अब इसमें सौंफ डाल देंगे 1/2 टीस्पून, अदरक कूट करके 1/2 टीस्पून। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे पकाएंगे। तो इसे मैं ढक देती हूँ, इसको पकने में समय लगेगा। इसे थोड़ी थोड़ी देर पे हम देखते रहेंगे और चला के मिला देंगे। अभी ये नहीं पके हैं, इसको पकने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो इसे मैं अभी ढक देती हूँ और इसे अच्छे से पकाते हैं। तो देखिए अब ये हो चुका है, लगभग मैंने 20 मिनट तक पकाया है। अभी अच्छे से पक चुके हैं और खजूर बिल्कुल गल चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। ठंडा होने पर ये थोड़े से गाढ़े हो जाते हैं और अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। इसे छानने के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसके ऊपर एक छन्नी लगा दिया है और अब इसमें हम चटनी छानेंगे। छानने से इमली और खजूर के रेशे निकल जाएंगे और चटनी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। इस चटनी को आप एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। 2 महीने तक चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे चटनी छान लिया है। अब ये चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।